Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां के चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर है। सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी दोबारा वापसी की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ सपा बसपा कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कई छोटी पार्टियां खुद को गेम चेंजर और किंग मेकर का खिताब भी दे रही हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सी वोटर ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मिजाज टटोला। सर्वे में राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों के करीब 44,000 लोगों से बात की गई। हम आपको बताने जा रहे हैं क्या रहा इसका नतीजा। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में फिर वापसी करेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 41, समाजवादी पार्टी को 30, बहुजन समाज पार्टी को 15% वोट मिल सकते हैं। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन फीका है। कांग्रेस को 5% और अन्य पार्टियों को 7% वोट मिलने का अनुमान है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 259 से 267, समाजवादी पार्टी को 109 से 117, बहुजन समाज पार्टी को 12 से 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 3 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को 6 से 10 सीटें दिया गया है। सर्वे में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के अनुमानित नतीजे भी बताए गए हैं। इसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक मौजूदा कांग्रेस सरकार की पंजाब से विदाई हो जाएगी, तो वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मणिपुर में भी बहुमत बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। हालांकि सी वोटर सर्वे महज एक अनुमान है। इस अपडेट में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। प्रभात।